हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर टीआरटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो एलईडी है, ये दोस्तों आरजीबी एलईडी है, मतलब तीन रंगों का एलईडी है, जिसे आप कलर एलईडी बोलते हैं। जब ये चलता है तो तीन कलर इसमें दिखाई देता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। और कई सारे एलईडी होता है जो एक कलर का होता है, किसी भी एक कलर का, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि जो सिंगल कलर का एलईडी होता है उसको आप डायरेक्ट 220 वोल्ट से कैसे चलाते हैं, तो जैसे कि डायरेक्ट आपको चलाना तो 100 किलो ओम का या 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आरजीबी एलईडी होता है उसको आप डायरेक्ट 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस से नहीं चला सकते, वो नहीं चलेगा। चलेगा तो एक कलर चलेगा, बाकी दोनों कलर नहीं चलेगा इसका। तो ऐसा हम क्या चीज में सेटिंग करें जो कि तीनों कलर डायरेक्ट 220 वोल्ट से चले, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको चलाना सीखते हैं कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कंडेंसर। तो कंडेंसर का वैल्यू आपको दिखा देता हूँ, 450 वोल्ट, 33 माइक्रोफेरेड। अगर ये आपके पास नहीं मिलता है तो आप कौन सा यूज करेंगे ये भी बता देता हूँ आपको। तो 250 वोल्टेज से, जो 250 वोल्ट से ऊपर का होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और माइक्रोफेरेड 25 माइक्रोफेरेड से लेकर 60 माइक्रोफेरेड तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो रेजिस्टेंस हमें चाहिए 100 किलो ओम का, ठीक है, मतलब 100 किलो ओम का। इसका कलर आपको दिखा देता हूं मैं, कलर से पहचान करते हैं। तो पहला ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर येल्लो है, ठीक है। ये 1.5 वाट का है, ठीक है, आप क्वार्टर वाट भी ले सकते हैं। उसके साथ एक चाहिए हमें डायोड, डायोड यूनिवर्सल डायोड है 4007 का, ठीक है, या कोई सा भी डायोड ले सकते हैं, इससे मिलता जुलता, वैसे ये ले लेंगे, बहुत ही कम दाम में मिल जाता है, किसी भी सर्किट में से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे ही 50 पैसे में मिल जाएगा आपको दुकान से, रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा 50 पैसे में, तो 1 रुपए का, और कंडेंसर वगैरह 2 1 रुपए का मिल जाएगा, किसी सर्किट से भी निकाल सकते हैं। एलईडी भी आपको मिल जाएगा 2-2.5 रुपए का। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंडेंसर के बारे में बताता हूँ, जो कि येलो कलर, सॉरी व्हाइट पट्टी है, ये माइनस होता है, बाकी प्लस होता है, ठीक है। तो जो व्हाइट पट्टी वाला है माइनस है, इसका ध्यान रखना है। एलईडी में आपको बताता हूं, अगर एलईडी प्लस माइनस का पहचान कैसे करना है, तो एलईडी का टांग छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कटा पिटा हो सकता है, कहीं से निकालेंगे, आपको अंदर ध्यान देना है। तो अंदर आपको क्या देखना है मैं आपको बताता हूँ। जिधर देखेंगे चौड़ी पट्टी दिखाई दे रहा है, ये माइनस होता है, मतलब नेगेटिव, और जो पतली वाली लाइन दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव होता है, प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस आपको पता चल गया। उसके बाद डायोड, डायोड में जो कि ये सिल्वर कलर की पट्टी है, इधर हम प्लस का करंट देंगे और इधर माइनस का, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करना बहुत ही आसान है दोस्तों, कैपेसिटर लेंगे, और कैपेसिटर में हम क्या काम करेंगे, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे, इस तरह से हमें इसमें सोल्डिंग कर देना है। देखिए, जो पॉजिटिव वाला है ये माइनस वाला पट्टी है, ठीक है, और इधर प्लस वाला है, तो इसमें हमने क्या काम किया है देखिए, जो डायोड का सिल्वर वाली पट्टी इधर और रेजिस्टेंस को इस तरह से लगा दिया है। अब उसके बाद क्या काम करना है, जो एलईडी है हमारा, एलईडी को, तो ये देखिए मैंने इसका कनेक्शन कर दिया इस तरह से, इस डायोड को इधर प्लस वाले पे लगा दिया, रेजिस्टेंस को यहाँ लगा दिया है, और जो एलईडी है इसका प्लस वाला, इस जो रेजिस्टेंस है इसका कनेक्शन हमने प्लस वाले पे दे दिया है, और माइनस वाले को डायरेक्ट कंडेंसर पे इस पे लगा दिया है। अब हमें इसमें डायरेक्ट तार जोड़ना है 220 वोल्ट का, एक तार इस पर और एक तार इस पे जोड़ना है, ठीक है, तो इसे भी जोड़ लेते हैं हम। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें तार जोड़ दिया है, किसी भी तार को किसमें जोड़ सकते हैं, आप इसका फोटो खींच सकते हैं और इस तरह से आप इसको जोड़ना है, ठीक है। तो फोटो इसका खींच लीजिए, ठीक है, खींच लिया मैंने। अब इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलाएंगे, तो ये मैंने बिजली भी ले लिया, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट, और मैं आपको यहां पर इसको लगा देता हूं, और ये देखिए इससे दूर रहना है क्योंकि इसमें
लाइट रहेगा। ठीक है, अब मैं स्विच ऑन करता हूँ इसका, तो देखिए बहुत अच्छा ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है ये आरजीबी एलईडी। चलिए बल्ब को बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ देर चलता रहेगा क्योंकि कंडेंसर चार्ज है। अब देखिए ऑन करूंगा तो फिर से चलना शुरू। अब दोस्तों अगर हम इसमें कंडेंसर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो चलिए मैं इसका कंडेंसर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैं डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ। ठीक है, इसका कंडेंसर से यहाँ से मैं कनेक्शन हटा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसका कंडेंसर से कनेक्शन हटा दिया, ये वाला जो पिन है ये मैंने हटा दिया, डायरेक्ट इसको कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगाता हूँ और ऑन करता हूँ। जब ऑन करूँगा तो देखेंगे सिर्फ एक ही कलर इसमें चल रहा है। ठीक है, वो भी रेड कलर चल रहा है, ब्लिंक कर रहा है लेकिन एक ही कलर चल रहा है। जब इसको मैं कंडेंसर से कनेक्शन करूँगा तो दोनों चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।